हैप्पी रक्षाबंधन फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से रानी किचन में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाने का बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका, जिसे ना आप इस त्यौहार झटपट बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक कटोरी लिया है हमने और उसमें एक कटोरी बेसन ले लिया है। तो ये घर का बना हुआ बेसन है, तो थोड़ी सी ना नमी हो जाती है जब बारिश के मौसम में, तो इस तरह से गुठलियाँ होने लगती है बेसन में। तो छान लें जब भी आप कोई भी मिठाई या कोई रेसिपी आप बनाएं। तो ये देखिए छान करके तैयार कर लिया है। और एक कटोरी जितना हमने ना घी लिया है, तो पहले आधा घी इसमें ऐड करेंगे और ज़रूरत लगेगी ना तो बाद में हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डाल दिया है और अच्छे तरीके से पहले ना मिक्स कर लेंगे, तो इसमें गुठलियाँ ना रहे इसलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको घी या तेल कम खाना पसंद है तो आप ना थोड़ा सा इसमें दूध भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही टेस्टी ये मिठाई दानेदार बन के तैयार होगी, इसके लिए थोड़ा सा इसमें ना घी ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे पहले हमने रिफाइंड तेल हमने लिया है, बाकी ना घी बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ना डाल दिया है, थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच या 3 चम्मच और डाल दें, ताकि थोड़ा सा ना ये मिश्रण जो है लिक्विड ही लगे। तो आप कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो जन्माष्टमी हो, तीज हो या रक्षाबंधन हो, आप इस तरह से बिल्कुल सिंपल और आसान हेल्दी मिठाई घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बाज़ार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में हमारा ये लिक्विड तैयार हो गया है। यहाँ पे जो आधा रिफाइन बचा था ना, इसमें ना घी डाल देंगे। तो 2 से 3 चम्मच मैं इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो केवल देसी घी में या आप केवल रिफाइंड तेल में भी इस मिठाई को बना सकते हैं, बट दोनों मिक्स करके बनाएंगे ना तो इसका स्वाद काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है जमाने के लिए, कोई भी आप प्लेट थाली या कोई भी टिफिन बॉक्स ले सकते हैं इस तरह से जमाने के लिए। इसको ग्रीस कर लिया है तो इसको साइड में कर देते हैं। और यहाँ पे जो घी लिया था ना, यहाँ पे देखिए हमने कढ़ाई भी एक तरफ रखा है और एक तरफ पैन रखा है, तो इसमें घी को डाल देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं और इसको मेल्ट होने देते हैं। अच्छी तरह से ना इसको मेल्ट कर लेंगे, क्योंकि गरम गरम ही इसमें हमें यूज करना है। तो यहाँ पे कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसमें ना चीनी डाल देते हैं। तो आधा कटोरी के लगभग हमने चीनी लिया है। आपको मिठाई अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसके हिसाब से इसमें ऐड करें। आधा कटोरी हमने इसमें ना पानी ऐड किया है। तो अच्छे से ना इसको ना एक तार की हमें चाशनी बनानी है, बिल्कुल एक तार करके तैयार करना है। थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। तो ये देखिए तार बनना शुरू हो गया है, एक एक तार आना चाहिए तभी ना एकदम कड़क सी ये मिठाई बन के तैयार होती है। अब जो लिक्विड हमने तैयार किया ना, बस इसको इसमें डाल देना है, जो बेसन का हमने घोल कह सकते हैं इसको। मिठाई को आप मैसूर पाक भी बोल सकते हैं, इसी तरह से बनाया जाता है। तो बहुत आसान ये तरीका है मिठाई बनाने का घर पर। आप सिंपल और आसान सी रेसिपी आप इसको बना करके तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हमने ना 1 से 2 मिनट इसे मिला लेना है, और जो घी हमने गरम किया था ना, बस इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और देखेंगे कि इसमें बहुत ही बढ़िया जाली यानी कि झाग बनेगा और ये मिठाई ना बिल्कुल जालीदार बन के तैयार होगी और इतनी टेस्टी लगती है ना फ्रेंड्स कि आप एक बार ज़रूर इसको बना करके ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पर देखिए झागदार बिल्कुल बन रहा है, देखिए इस तरह से डालते जाएंगे थोड़े थोड़े समय में। और गैस का फ्लेम हमने मीडियम पे रखा हुआ है, और देखिए कितना अच्छा सा प्यारा सा कलर आया है, और देखिए जाली जाली एकदम आपको दिख रहा होगा। तो इसी तरह से 1 से 2 मिनट इसको पका लेंगे, तो बहुत ही टेस्टी मिठाई बनती है फ्रेंड्स। और बाज़ार से आप सोच रहे हैं लाना मिठाई, तो आप ना इस तरह से घर पे मिठाई एक बार बना करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी काफ़ी पसंद आएगा। और जो भी इस मिठाई को खाएगा ना, आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेगा, बहुत ही टेस्टी बनती है।
तो आप चाहे तो इसमें कम घी या तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही तेल या घी इसमें ऐड करें। कम तेल में भी आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैसूर पाक जो बनता है फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें घी ज़्यादा डलता है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें, प्यारा सा। तो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसको क्या करेंगे ना कि गैस को हमने बंद कर दिया है और इसको जल्दी से हम इसमें ट्रे में डाल देते हैं जमने के लिए, नहीं तो इतनी जल्दी ये जमती है ना फ्रेंड्स कि आप अगर थोड़ी सी देर कढ़ाई में छोड़ देंगे तो उसी में जम जाएगा। और इतना बढ़िया कलर आया है फ्रेंड्स कि खाने में तो इतनी टेस्टी लगेगी ना मिठाई कि आप खाते रह जाएंगे। तो ये देखिए सारा मिश्रण हमने इसमें डाल दिया है। अब इसको ज़्यादा हमें दबाना नहीं है, नहीं तो जाली जाली नहीं बनेगा। और ये देखिए इसको 1 से 2 मिनट ठंडा कर लेंगे और ये थोड़ा सा गर्म रहेगा ना तब इसको हम काट करके तैयार कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, नहीं तो ये बहुत हार्ड टाइप का हो जाता है और ये कटता नहीं है जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए हमने कट कर लिया है इसको और ये देखिए टेस्टी और हेल्दी मिठाई हमारी तैयार हो गई है। तो आप इस रक्षाबंधन जरूर ट्राई करें एक बार। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।